हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे अभी फिलहाल देश दुनिया के अंदर कैसा हालचाल चल रहा है। आप लोग भी बोल सकते हो भाई तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा क्या, ऐसा लगता है। दुनिया के अंदर भी फिलहाल बहुत ही बुरा बुरा इंसिडेंट सुनाई दे रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग तरह का होने वाला है, तो भाई फर्स्ट टू लास्ट देखना। तो दोस्तों, इसराइल ऐसे तरह का काम कर रहे हैं भाई, सच में बोलूं तो बहुत ही मतलब बड़े बड़े देश ऐसे काम करने से अभी भी डरता है। हो सकता है आपके पास पावर है, आपके पास बहुत ही मतलब पैसे वाले हो आप लोग, जो इसराइल जो काम कर रहे हैं ना भाई, बहुत ही छोटी सी देश ऐसे तरह का सब उसको मतलब डोमिनेट कर रहा है, वो चीज देखो भाई मेरे को यह बहुत ही डर लगता है भाई। उसको मतलब दिमाग के अंदर पसंद नहीं होगा तो दूसरा मतलब देश के अंदर भैया हमला कर चालू कर देगा, उसका देश का राष्ट्र नायक को मतलब खत्म कर देगा। तो ऐसे तरह का इंसिडेंट हमको देखने को मिला है। इसराइल फिलहाल अभी फिलहाल बदले का आग में जल रहा है। तो देखो यार, पहले तो यार इसराइल ने शांत बैठा था, बट यार गाजा ने मतलब उधर का जो हमास का जो आतंकवादी था उसने मतलब पहले इसराइल के अंदर आके बहुत ही मतलब डोमिनेटेड चलाया था, और बहुत लोगों को मतलब उठा के लेके गए थे, बहुत लोगों को मार दिया था। तो उसके बाद ही मतलब यार इसराइल पूरा गाजा को धूलिसत कर दिया है, पूरा एकदम समतल जमीन बना दिया है। उधर में जो मतलब यार हमास का जो आतंकवादी था संगठन था पूरा उसको खत्म कर दिया है, और उसके बाद भैया 2 लाख के ऊपर मतलब यार लोग मर गए हैं। उसके अंदर आतंकवादी भैया 1.5 लाख के ऊपर था। और देख तो इसके बाद इसराइल को भाई बोल रहा है आसपास का जो मुस्लिम कंट्री है जैसे ईरान तुर्की लेबनान, बोल रहा है जब कुछ हुआ है तो शांत हो जाओ। बट इसराइल नहीं बोल रहा है भाई, पूरा हम लोग यार जड़ से खत्म कर देंगे जो आतंकवादी संगठन है, जो हमारा विरुद्ध में जो भी लोग बोलता है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो देखो यार, पहले तो यार ईरान का जो मतलब यार राष्ट्रपति था उसको यार मार दिया है, तो भाई सब लोग तो जानते हो भैया उसको प्लेन क्रैश में मार गया है। बट यार नहीं, इसराइल ने मारा है। और क्योंकि यार आप लोग तो जानते हो जो मोसाद बोल के जो उधर में इंटेलिजेंट काम करते हैं, बहुत ही दुनिया के अंदर खतरनाक भाई मोसाद होता है, जो मतलब यार घर पे घुस के मारेगा भाई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही करके जैसे ईरान के अंदर देखो यार नया राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है और उधर में एक सेरेमनी है, तो भाई उधर में अनुष्ठान के अंदर जो हमास का जो सरगना है इमाम हानी जी उधर में में गए थे, तो वो मतलब यार अनुष्ठान कम्प्लीट हो चुका है। तो रात में वो मतलब सो रहे थे, और वो लोग जिधर में सोता है भाई कोई भी लोग नहीं जानता है, बट मोसाद को पता है क्योंकि यार उसका इंटेलिजेंट इतना स्ट्रांग है, उसको मतलब पता है भाई किधर में कौन लोग घुस रहे हैं, किधर किधर में वो लोग जा रहे हैं, पूरा मतलब मालूम चलता है। तो देखिए ईरान के अंदर मतलब यार कम्प्लीट हो रहा था, ईरान के अंदर जो तेहरान बोल के शहर है हानी जी था, इसराइल ने भैया फाइटर प्लेन भेज के उधर में बॉम्बिंग किया है और उस बिल्डिंग को पूरा खत्म कर दिया है, जिस बिल्डिंग का टारगेट किया उस बिल्डिंग को मतलब उड़ा दिया है। देखो यार उधर में मतलब हानी जी का देहांत हो चुका है। तो इस घटना के पहले लेबनान का जो हिजबुल्ला का जो कमांडर फौज सुक्रू इस आतंकवादी को मतलब यार ऐसे करके मार दिया है भैया, पूरा प्लेन घुस के भैया उस बिल्डिंग को उड़ा दिया है। 12 घंटे के अंदर 2 बहुत बड़ा बड़ा नेता भाई मारा गया है भाई इसराइल के तरह। तो देखो यार इसराइल ऐसे तरह का काम क्यों कर रहा है। तो देखो यार कुछ दिन के पहले इसराइल के अंदर ये जो हमास और लेबनान ने भैया बहुत बड़ा अटैक किया था ड्रोन अटैक, उसके अंदर भैया इसराइल का 12 जो चाइल्ड था वो उसका डेथ हो चुका है। इसका बदला भैया इतना बड़ा बड़ा नेता को लिए मतलब देना पड़ा है, क्योंकि यार इसराइल बोल रहा है हमको मतलब यार छेड़ोगे तो भैया तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो भाई सबका घर में घुस के मतलब यार मारेंगे। तो देखो यार इसके बाद भैया इतना मतलब बड़े एक बहुत बड़ा इशू होने के बाद ये जो तुर्की का जो एर्दोगन जो गवर्नमेंट है उसने बोला है हम मतलब यार इसराइल को नहीं छोड़ेंगे। तो भाई उसके बाद भैया बोल रहा है इसराइल तुम हमको भैया फिर से मतलब छेड़ोगे तो तुमको भी उड़ा दिया जाएगा। तो भाई तुम लोगों के सामने एक चीज बोलना चाहता हूँ, इसराइल बहुत ही छोटा एक कंट्री है, फूक मार के भैया उड़ जाएगा। बट यार प्रॉब्लम क्या है पता है, उसका मतलब यार आसपास का जो देश है जो ऐसे यूएस है भाई उसके साथ मतलब यार कोई नहीं मतलब यार पाड़ेगा। तो इसलिए मतलब यार ये जो तुर्की है भाई इसके पास मतलब यार बहुत ही अच्छा मतलब बिल्डअप है, अच्छा मतलब यार सब कुछ ही है, मतलब ये मतलब तुर्की हो सकता है भाई इसराइल को जाके मतलब फूक मार के उड़ा सकता है, बट यार नहीं कर सकता है क्योंकि यार ये जो इसराइल है भाई ये बहुत बड़ा एक देश के अंदर मतलब यार संगठित है। तो आप लोग बोल सकते यूएस का मतलब संगठित है, तो देखिए इसराइल के अंदर कोई भी लोग आके हमला करेगा वो यूएस के अंदर पड़ेगा। तो यूएस मतलब इसराइल को मतलब जो गन वगैरह वो जो भी कुछ चाहिए भाई इसको देता है, और दूसरा देश के अंदर मतलब उसको भेज के मतलब मार देता है। तो देखो यार तुर्की भी ऐसे तरह का काम करता है इसराइल के अंदर, तो तुर्की का भैया एर्दोगन गवर्नमेंट भैया उड़ सकता है मतलब एनी टाइम। तो ऐसे तरह का मतलब धमकी चल रहा है। तो आप लोग बोल सकते हो भाई आई फिलहाल देखो यार सब मुस्लिम कंट्री एक हो चुका है, और इसके सब भैया सऊदी अरब एंड यूएई ये जो मुस्लिम कंट्री है इसके ऊपर बोल रहे हैं भैया जो भी कुछ हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है, ये मतलब यार इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, ये यूएस के अंदर सपोर्ट कर रहा है। तो देखो यार इस तरह का क्यों कर रहा है मेरे को भी मालूम नहीं है, बट यार जो भी कुछ हो रहा है भैया
थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरह जा रहा है। आप लोग यार मेरे को कमेंट करके जरूर बोलना, हम भी मत यार इंडियन जो हमारा जो आतंकवादी इंडिया के अंदर घुसता है, हम भी जाके भैया पाकिस्तान के अंदर प्लेन घुसा के जो भाई हाफिज साईद है, बहुत बड़ा बड़ा मासूद आजहर है, इन लोगों के भाई उड़ा सकते हैं क्या? तो मोदी गवर्नमेंट भैया इतना बड़ा बड़ा जिगरा लेके जरूर जाने वाला है। तो देखिए यार मोदी जी का साथ भैया जो हमास का जो सरगना है इमाम हानी जी, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा मत यार फ्रेंडशिप था। तो उसके बाद जो भी मत यार जो बहुत बड़ा हिजबुल्ला जो कमांडर है लेबनान का, उसका जो कमांडर है उसके साथ भी मोदी जी का बहुत अच्छा बिल्डअप था। बट यार मोदी जी मत यार देखो यार इसराइल के साथ ही देगा, क्योंकि यार इसराइल भैया हमारा दुनिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, इंडिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भाई इसराइल मत यार पास आ जाता है। इसलिए मत यार इंडियन गवर्नमेंट भाई इसराइल के पास होता है, क्योंकि यार तुम्हारा देश पहले तो बाद में मत यार दूसरा देश, तो यही बात है। तो देखो यार इंडिया तो भाई ऑल टाइम मत यार इसराइल को सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि यार इसराइल के साथ बहुत ही अच्छा बहुत सारा मतलब चीज के ऊपर ट्रेड होता है, बहुत सारा मतलब पब्लिक के अंदर सोल्यूशन मिलता है, बहुत मतलब यार जो गन वगैरह होता है जो मतलब दूसरा आर्टिलरी होता है इसराइल से हम लोग यार मंगाता है। तो देखिए यार इसराइल हर मतलब यार इंडिया बहुत ही फ्रेंडशिप के अंदर चलता है, तो इसलिए मतलब यार इसराइल को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यही बात है। तो देखिए यार हम लोग यार घर के अंदर खाता है तो यार बाहर में क्या हो रहा है भाई, हमको यार कोई भी दिमाग नहीं घुसाने का, ठीक है। तो भाई चलो यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।